आज मैंने बनाए हैं ब्रेड रोल और ये देखने में कितने ही अच्छे लग रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैंने अपने ये इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये मैंने 4 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं और ये लिए हैं मैंने 5 पोटैटोस बड़े साइज़ के लिए हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। और ये है नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ये है कस्तूरी मेथी और ये बाउल में मैंने पानी लिया है। तो जो ये मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आलू को मैश करना है। सो जो ये मैंने आलू हैं मैश कर लिए हैं पूरे। अब इसमें हम नमक डालेंगे। पहले नमक आप स्वाद अनुसार डालिएगा। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिए हैं मैंने। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड को हम पहले पानी में अच्छे से डिप करेंगे और फिर हम इसको प्रेस करके इसका पानी जो है एक्स्ट्रा वो हम निकाल लेंगे। ये बहुत ही यम्मी बनते हैं। हमें इस तरीके से बिल्कुल रोल कर देना है। सो जो ये मेरी रोल बनाया था मैंने ब्रेड रोल, ये देखो बिल्कुल बनके हो गया है, बिल्कुल अच्छे से बन गया है। अब हम इसी प्रोसेस से अपने और भी बना लेंगे। रोल हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसी प्रोसेस से मैंने सारे बना लिए। अब मैंने ऑयल बिल्कुल गर्म कर लिया था, इन्हें हमें डीप फ्राई करना है। तो ऑयल जो है वो बिल्कुल गर्म पे बनाने हैं आपको। आपका तेल जो है ठंडा नहीं होना चाहिए, इससे टूट जाते हैं ये, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो अभी हम इसको बनने दे रहे हैं हल्के हल्के। जब ये गोल्डन हो जाएंगे तब हम इन्हें पलटेंगे। गोल्डन हो चुके हैं नीचे से, अब इन्हें हम पलट लेंगे। ये देखो अब ऐसे हम सारे पलट लेंगे। ये बिल्कुल रोल हैं, ब्रेड रोल, वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। दोनों तरफ से एकदम ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें हम अच्छे से इसका ऑयल निकाल लेंगे। सो जो इनका ऑयल है वो अच्छे से निकल गया है और ये कितने अच्छे बने हैं। तो इसी प्रोसेस से हम दूसरे भी निकाल लेंगे। ये जो है ब्रेड रोल सर्व कर लिए हैं, बिल्कुल रेडी हो गए हैं और मैंने इन्हें केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो हरी चटनी के साथ भी इसे खा सकते हैं, ये उसके साथ भी बहुत ही यम्मी लगते हैं। और ये देखिए मेरी जो बॉल्स हैं ये ब्रेड रोल की, कितनी क्रिस्पी बनी है, एकदम कुरकुरी सी बनी है। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो शेयर करें।